हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं एकदम चटपटे स्पाइसी एंड ड्राई पे नूडल्स, वो भी बिना सब्जियों के, जिसे आप खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप देख ही सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं। तो अगर आपको सब्जियां खाना नहीं पसंद नूडल्स में, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन में 2 कप पानी डालिए और पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिए। 2 पैकेट नूडल्स के ले रही हूँ मैं, इसलिए मैंने 2 कप पानी डाला है। पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमें इसे छानना ही है। तो सबसे पहले हमें सिंपली नूडल्स को बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पर ईपी नूडल्स लिए हैं, आप चाहे तो मैगी ले सकते हैं अगर आपको मैगी पसंद हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको मैगी ज़्यादा पसंद है कि ईपी नूडल्स। तो देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है, बुलबुले उठने लगे हैं। तो हम दोनों पैक इसमें डाल देंगे और जो टेस्ट मेकर है उसे एक बार साइड में रख देंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैंने ये दोनों पैक डाल दिए हैं। अब हम नूडल्स को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 60 से 70% तक ही बॉईल करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल और ना ही हमें इसे ज़्यादा पकाना है। बस 60 से 70% तक पक जाए नूडल्स, इतना ही हमें इसे बॉईल करना है। ये 2-3 मिनट में अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। ये देखिए 2-3 मिनट में हमारे नूडल्स बॉईल हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, अब हम इसे छान लेंगे। अगर हम इसे ओवर कुक कर देंगे तो ये एकदम चिपचिपे से बनेंगे। एक बार इसे फोक से चला लेंगे। ये देखिए इसमें कितना धुआं निकल रहा है, अभी बहुत गर्म है। इसके ऊपर पानी डाल देंगे, ठंडा पानी, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। और फोक की मदद से इसको ऊपर नीचे करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे छलनी से। तो ये देखिए सारा पानी निकल चुका है छलनी में। अब मैं इसमें प्लेट पर ट्रांसफर कर दूंगी। प्लेट पर पहले तेल लगा के रखा हुआ था, इसे हम फैला लेंगे अच्छी तरह से। नूडल्स के ऊपर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, ताकि नूडल्स एक दूसरे से ना चिपके, और तेल को नूडल्स पर अच्छी तरह से मिला लेंगे। नूडल्स को हम 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे खुले में। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे ताकि मसाले ना जले। मसालों को तेल में अच्छी तरह से मिला लेंगे 10-20 सेकंड तक। गैस का फ्लेम लो ही है। अब हमने जो नूडल्स बनाए थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे नूडल्स को मसालों में। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे अभी तक। तो इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लेंगे लगातार चलाते हुए। अब हम इसमें टेस्ट मेकर डालेंगे, जो ईपी नूडल्स का मसाला था वो डाल देंगे। मसाले को भी अच्छी तरह से नूडल्स पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम अभी लो टू मीडियम कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। वैसे तो टेस्ट मेकर में अच्छा नमक होता ही है, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। वैसे मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, लेकिन थोड़ा अब स्पाइसी नूडल्स बना रहे हैं तो थोड़ा और स्पाइसी डालते हैं, तो इसलिए मैंने रेड चिली सॉस डाली है। आप नहीं चाहते थोड़ा स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी बनाना, तो आप मत डालिएगा। सॉस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारे स्पाइसी एंड ड्राई ईपी नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं। कितने खिले खिले बने हैं, जैसे ये ठंडे होंगे और खिले खिले लगेंगे। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारे स्पाइसी एंड ड्राई ईपी नूडल्स बन के तैयार हैं। तो गर्मा गर्म नूडल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने खिले खिले नूडल्स बने हैं, एकदम चटपटे स्पाइसी एंड ड्राई ईपी नूडल्स बन के तैयार हुए हैं, वो भी बिना सब्जियों के। बहुत ही टेस्टी नूडल्स बने हैं। तो अगर आपको नूडल्स बिना सब्जियों के पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इस तरह से नूडल्स बना के खा सकते हैं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। ये आप देख ही सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं, एक एक नूडल्स किसी पे चिपक नहीं रहा है, एकदम खिले खिले बने हुए हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।